परेड स्थल पर आगमन हो रहा है थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का, जिनके द्वारा आज इस सजीली परेड का निरीक्षण किया जाएगा और वीरता और अन्य अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं है भीत में, संघर्ष पाकर जो मिला ये भी सही वो भी। ब्रेट निरीक्षण के लिए हाजिर है। As he boards the inspection vehicle, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उनके साथ सजी धजी जीप पर परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़ परेड के निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कोरोना महामारी के तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है इस सेना दिवस परेड में। एनसीसी कैडेट्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो भविष्य की तस्वीर है भारतीय सेना की, उनके सामने से गुजरते हुए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। A day of great pride for the NCC cadets who have come here from all across the country to participate in the Republic Day parade. Also present on the occasion are former chiefs, chiefs of the army staff, members of the media fraternity, defence and military attachés. Contingents are from various regiments of the Indian Army, each with different colours, different mottos and even different war cries, but there is a common denominator, a unifying force, that is the pledge, the nation first, always and every time. थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा सेना दिवस परेड का विधिवत निरीक्षण, जिसकी ओर अग्रसर होते हुए थल सेना अध्यक्ष तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। सबसे पहले जिप्सीज में परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता और उनके साथ खेलों के मैदान पर देश का नाम रोशन करने वाले जाने माने खिलाड़ी First contingent is the Akash weapon system and Tiger Cat, commanded by Captain Ranjit Singh and Captain Abhay Singh, followed by Tarang Shakti and HT-16, commanded by Major Vivek Sehrawat and Captain Ganesh Nanavare, followed by the Sarvatra bridge system and PMS, commanded by Lieutenant Dipanshu,
एंड लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सिन्हा। अश्वरोही दल मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान के नेतृत्व में सजीले अंदाज में परेड मैदान पर थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सेना दिवस परेड का निरीक्षण करते हुए ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स नेतृत्व कैप्टन अंकित यादव द्वारा, उसके बाद बारी राजपूत रेजिमेंट की कमान लेफ्टिनेंट वरुण प्रताप सिंह के हाथों में। असम रेजिमेंट का दस्ता कैप्टन गौरव राणा के नेतृत्व में, और अब बारी मास पाइप्स एंड ड्रम्स की सुबेदार मेजर शिवरतन राजपूत रेजिमेंटल सेंटर और सुबेदार मेजर मलकीत सिंह लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में। The massed military bands are led by Major Subedar Major Soban Singh of One Signals Training Center playing the tune Brahmaputra, followed by the Jammu and Kashmir Light Infantry commanded by Major Ritesh Tiwari, the marching contingent of the Army Ordnance Corps led by Lieutenant Manisha Bora, the Maroon Berets of the Parachute Regiment led by Major Vishesh Pamar। भारतीय सेना का मुख्य युद्धक हथियार सेंचुरियन और मुख्य बैटल टैंक अर्जुन कमांड कर रहे हैं कैप्टन राहुल शर्मा और लेफ्टिनेंट स्वप्निल। उसके पश्चात बारी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल टोपाज और BMP-2 की नेतृत्व मेजर रवि कुमार और लेफ्टिनेंट ऋषिकेश शारदा के हाथों में, और परेड के आखिर में 75x24 टोट गन और धनुष गन सिस्टम नेतृत्व मेजर पी शंकर दत्त और लेफ्टिनेंट सत्यम मिश्रा द्वारा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा का प्रदर्शन ऐतिहासिक करियप्पा परेड मैदान पर निरीक्षण आकर्षक परेड का थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा। द इंडियन आर्मी इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड विद अ स्ट्रेंथ ऑफ 1.2 मिलियन पर्सनल। इट सर्व्स एज अ यूनिवर्सल सोर्स ऑफ प्राइड एंड इंस्पिरेशन फॉर सिटीजंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम ऑल ह्यूज एंड वॉक्स ऑफ लाइफ। In times of external danger or when called upon to assist in areas of internal strife, the presence of the Indian Army inspires confidence and provides citizens with the unspoken assurance that the situation is under control and is in safe hands. And today, a very, very special day for the Indian Army as it celebrates its 74th Army Day and also for the nation, because we know we are safe as long as our men in uniform guard our borders. Kuch nasha desh ki aan ka hai, kuch nasha matrubhumi ki shaan ka hai, hum lehraayenge har jagah ye tiranga, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के आवाम का है। सेना दिवस परेड नसों में जोश और उत्साह का संचार करते हुए सर्द सुबह में देश प्रेम की गर्मी, देश प्रेम का जज्बा देखते ही बनता है करियप्पा परेड मैदान पर। The army chief will address his men with words of inspiration in just a short while from now, and we will witness a scintillating parade that has been lined up here at the Karyappa parade grounds as the army chief returns to the saluting days.